Subscribe to my channel, it's free to subscribe, and also press the bell icon so you never miss out my any video. Thank you beautiful, stay blessed. Hey guys, what's up? मैं हूँ अनिंदिता and welcome to my channel. आज मैं बात करूँगी इसके बारे में, NY BAE Liquid Lipstick के बारे में. ये purple.com में easily and every time available है. purple.com एक online apps है. आप अपने मोबाइल के जरिए apps को download कर सकते हैं. वहाँ से ऐसे बहुत सारी affordable चीज़ को खरीद सकते हैं. अभी इसके बारे में बात करते हैं. ये NY BAE के तरफ से है. इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़ पर डिस्काउंट, उसके ऊपर भी डिस्काउंट चलता है, जिसमें ये आपको 100 और 110 ऐसा कुछ में आपको इजीली ये मिलता रहता है. और इसका टोटल 36 शेड है, टोटल 36. उसमें आपको रेड, ब्राउन, पिंक, मैजेंटा, ऐसे पिंक, ऐसे सभी फैमिली में से आपको कलर मिल जाएगा. तो अभी इसको बारे में बात करते हैं. ये ऐसे ही आता है, इसका अलग से कोई भी पैकेजिंग वगैरह नहीं रहता है. ऊपर यहाँ पे ब्लैक के ऊपर NY BAE लिखा हुआ है और एक साइड पे यहाँ पे ड्रेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और प्राइस एस ये लिखा हुआ है. और एक साइड पे स्टिकर दे करके इसका जो कलर का जो नाम है और नंबर है वो एक स्टिक, उसी कलर का मतलब जो उस कलर का लिपस्टिक है. लिपस्टिक भी ऐसे बाहर से दिखता है, ये प्लास्टिक का है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कौन सी कलर ये बाहर से ही दिखा जाता है. अगर आपके पास 2 or 3 कलर है तो अब बाहर से ही आपको पता चल जाएगा कि कलर कौन सा है. और उसी कलर का स्टिकर एक ऊपर भी दिया हुआ है और उसके ऊपर नाम और नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसके बाकी का जो डिटेल्स है वो लिपस्टिक के ऊपर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है. तो मैं आप लोगों को एप्स में से पढ़ के बता था कि एप्स में आपको ये डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा. मैं अभी के लिए आपको एप्स से पढ़ के बताती हूँ कि इसका बाकी के क्या बोलता है, मतलब NY पे इसके ऊपर क्या क्या बोलता है. ये बोलता है कि ये टॉक्सिड एंड लेड फ्री है, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेड हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आजकल डॉक्टर मानते हैं कि अगर लेड हो तो वो फ्यूचर में जाकर के कैंसर भी हो सकता है, तो आपको पूरे भरोसे के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि मैटी फिनिश है. हाँ, ये फुल मैटी फिनिश है. मैं इसका अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई की हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं, ये फुल मैट फिनिश है. नेक्स्ट है कि लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है सच में. ये 6 to 7 आवर्स लॉन्ग स्टे करता है. आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, फिर भी ये ऐसे ही लॉन्ग स्टे करता है. ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि वाटर रेजिस्टेंस है. अब हम लोग वो देख लेते हैं कि कितना वाटर रेजिस्टेंस है. मेरे पास थोड़ा सा पानी है. कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है. तो हाँ, ये फुल ट्रांसफर प्रूफ भी है और वाटर रेजिस्टेंस भी है. मैं आपको ऐसे खींच के भी दिखा देती हूँ. ये फुल किस प्रूफ है, तो ट्रांसफर ये बिल्कुल भी नहीं होता. आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, ट्री कॉफी पी रहे हो, या फिर कोई भी ऑयली फूड भी खा रहे हो, कोई भी भारी खबर खा रहे हो, ये वैसे ही आपके लिप्स के ऊपर पूरी तरह से रहने वाली है. ठीक है, आप आती हो कि इसका देखने में कैसे, मतलब बुरा मुझे क्या क्या लगा. ठीक है, बुरा मुझे ये लगा कि इसका जो पैकेजिंग था मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा. ये मुझे थोड़ा सा चीप लगा. ऊपर से ये जो NY पे जो लिखा हुआ आप भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी उठ के जा रहा है. इनफैक्ट ओनली NY है, बे ऑलरेडी उठ के चला गया है. ये मुझे कल रात को ही डिलीवरी हुआ है. ठीक है, आज सुबह के अंदर ही बे उठ कर चला गया है, बस NY है. तो ये इसका ऑल ओवर पैकेजिंग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. और लिप्स के ऊपर भी ये थोड़ा सा, अगर आपको आप एक में ये बहुत अच्छा फिनिश देता है. ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज फिनिश देता है. इसका जो एप्लीकेटर है इसको भी एक बार देख लेते हैं. तो आप अगर एक बार इसको अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा फिनिश देगा, पर अगर आप इसको 2 or 3 टाइम्स अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो वो सूखने के बाद ये लिप्स पे थोड़ा सा चीट दिखता है. हाँ, ये जैसे कि मैंने बोला है कि मैं इसके ऊपर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, तो एक में ही आपको पूरा ऐसा पूरा कलर पे ऑफ आपको मिलेगा. ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मैं बस ओनली 1 स्वीप में ये कलर पे ऑफ मुझे मिला है. पर अगर आप 2 or 3 स्वैप इसके ऊपर देते हो तो ये थोड़ा सा चीप दिखता है. ऊपर से ये 6-7 आवर्स स्टे तो करता है, पर 2-3 आवर्स के बाद अंदर से ये थोड़ा सा फेड हो जाना स्टार्ट होता है और वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक क्रैक भी आता है. तो ये मुझे कुछ अच्छी सी खासी जमी नहीं. पर एक बात अच्छी है कि ये लगाने के तुरंत बाद ये सूखता नहीं है. मैं आपको हैंड स्वॉच करके भी दिखाती हूँ.
आप इसका कलर देख ही सकते हैं. ओनली सी गाइस, ओनली वन कलर में ये कितना पे ऑफ दे रहा है. तो ये लगाने के तुरंत बाद ही ये सूखता नहीं है, ये 2 or 3 times ये रहता है, मतलब सूखने के लिए टाइम लेता है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लगाने के बाद हम लोगों को सेट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं, तो वो पूरा तरह से हम लोग सेट कर पाते हैं. अगर आप लगाने के तुरंत बाद ही इसको देंगे तो ये देखिए ये ट्रांसफर होगा, तो फिर ये फुल ट्रांसफर होगा. इसको सूखने के लिए 2 मिनट का वक्त चाहिए, ये एक अच्छी बात है. पर अगर इसकी स्मेल की बात की जाए तो इसका जो स्मेल है वो हम लोग खांसी के लिए जो सिरप वगैरह जो लेते हैं बहुत ही उस टाइप का कुछ मेडिसिन वाला इसका स्मेल है. लगाने के बाद भी 2-3 मिनट से आपके नाक में भी वो स्मेल आएगा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे वो स्मेल चला जाएगा. तो अगर आपको स्मेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इससे आपको उस बात से आपको प्रॉब्लम होने वाला है. जैसे कि मैट फिनिश है, लॉन्ग स्टे करता है, तो ये आपको लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाने वाला है. तो इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर का अप्लाई ज़रूर कर ली. तो अब आते हुए इसका जो ऑनेस्ट बात है उसके ऊपर, जैसे तो अच्छी अच्छी बात बहुत कुछ हो गया है. PCS एप्लीकेटर है, एक स्वाइप में ही बहुत अच्छा कलर पे ऑफ दे रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सूखने के लिए. आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारा कलर मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सब कुछ अच्छा अच्छा है. पर लॉन्ग स्टे भी करता है, मैट फिनिश भी देता है, तो सब कुछ टेस्ट भी हो गया. तो फिर इसका बुरी पार्ट क्या है? बुरा पार्ट ये है कि इसका जैसे कि अंदर के तरफ से ये थोड़ा सा उठ के जाना 2-3 hours के बाद ये स्टार्ट हो जाता है. तो उस वो बात कुछ अच्छा खास नहीं मुझे जमा. और उसके ऊपर से ये होंठों के ऊपर भी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैमरा में कितना पता चल रहा है, पर होंठों के ऊपर ये थोड़ा सा चीप दिखता है. मतलब ये पता चलता है कि ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी है, ये होंठों में से ये पता चलता है. सेकेंड जो बात मुझे अच्छा नहीं लगा वो है कि इसका पैकेजिंग ये कुछ वैसे ही आ जाता है, कुछ भी नहीं रहता. ऊपर से ये जो लिखा हुआ है NY है बे, मुझे ये कल रात को ही डिलीवर हुआ. मैं ये सुबह वीडियो बना रही हूँ, रात में ये बे पूरा उठ के चला गया है, NY भी उठ के पूरा जा रहा है. तो ये ऊपर से भी देखने, मतलब जो ऑल ओवर जो पैकेजिंग है वो भी देखने में मुझे थोड़ा बहुत चीप लगा. थर्ड बात जो है, जैसे कि बहुत लॉन्ग स्टे करता है, आप कोई भी पानी पी रहा है, ऑयली फूड खा रहा है, टी कॉफ़ी जैसे नहीं जाता, तो इसको मतलब साफ करना भी इतना आसान नहीं है. आप ऐसे ही इसको मतलब कोई भी मेकअप रिमूवर से आप ऐसे ही आसानी से इसको रिमूव नहीं कर सकते. रिमूव करना भी कुछ खास आसान नहीं है. मैं थोड़ा सा मेकअप रिमूवर ले लेती हूँ. ये जा ही नहीं रहा है. आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि मेकअप रिमूवर से नहीं जा रहा है तो ऐसे थोड़ा सा वेसलिन ले लीजिए, उसे ऐसे सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा ज़्यादा करके लीजिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग स्टे करता है. आप ऑयली पीजिए, पानी पीजिए, ड्रिंक्स पीजिए, किसी से भी ये नहीं जाएगा. मैंने थोड़ा सा वैसलीन का अप्लाई कर लिया है. ऐसे ही वैसलीन का और भी बहुत सारे यूसेस है, तो उस वीडियो का उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एक वैसलीन के थ्रू आप कितना कर सब कुछ कर सकते हैं. उसका लिंक मैं ज़रूर डालूंगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिए. तो ये था NY के बारे में मेरा आज का ऑनेस्ट वाला रिव्यू. तो नाउ गो टू द स्वाचेस. बट हाँ, उसके पहले जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, वो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए. और हाँ, नाउ टाइम गो टू द स्वाचेस.